और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड कांग्रेस ने 65 प्रत्याशी तय कर दिए हैं। आज हो सकता है उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। 5 सीटों पर नामांकन के अंतिम दिन में जारी होगी सूची। सीएम हरीश रावत किच्छा विधानसभा से लड़ सकते हैं चुनाव। रामनगर से रंजीत रावत को टिकट मिलना तय है। ऋषिकेश में शूरवीर सिंह सजवान के नाम पर चल रहा है मंथन। सुरेंद्र सिंह नेगी को यमकेश्वर से मिल सकता है टिकट। शैलेंद्र रावत को कोटद्वार से दिया जा सकता है टिकट। हालांकि अभी 5 सीटों पर फैसला नहीं हुआ। कोई फैसला किशोर उपाध्याय को भी सहसपुर से प्रत्याशी बनाने की चर्चा है। डोईवाला से हीरा सिंह बिष्ट को टिकट दिए जाने पर मंथन हो रहा है। आज शाम तक पहली सूची जारी कर सकती है कांग्रेस। किशोर और हरीश की जंग की वजह से टिकट वितरण में देरी हुई है। तो आज शाम तक ऑफिशियल पहली लिस्ट आने की उम्मीद है कांग्रेस की। शैलेंद्र रावत को कोटद्वार से टिकट मिल सकता है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। रंजीत रावत को रामनगर से टिकट मिलना तय है। बेहद खास माने जाते हैं मुख्यमंत्री हरीश रावत के। सहसपुर से किशोर उपाध्याय इस चुनावी फाइट में होंगे। डोईवाला से हीरा सिंह बिष्ट को टिकट दिए जाने पर हालांकि मंथन है। किशोर उपाध्याय को सहसपुर से प्रत्याशी बनाने पर चर्चा हो रही है। और कौन कौन से नाम हो सकते हैं, किन किन नामों पे किस तरह का मंथन हो रहा है, समझने की कोशिश। दिल्ली से मेरे सहयोगी राहुल डबास और देहरादून से सुदीप जैन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हैं। राहुल, किस तरह की जानकारी मिल रही है, कितने बजे तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने की उम्मीद है? देखिए घनश्याम, अगर सीईसी की बात करें तो सीईसी कल भी बैठी थी और उससे एक दिन पहले छोड़कर परसों भी बैठी थी और लगातार जो पीसीसी और सीएम के बीच में जो समन्वय है वो नहीं बन पा रहा है। किशोर उपाध्याय और हरीश रावत एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। कल की सीईसी की बात करें तो किशोर उपाध्याय की तरफ से को ये कहा गया आप ऋषिकेश से चुनाव लड़े। किशोर उपाध्याय ने साफ तौर पर मना कर दिया कि मैं ऋषिकेश से चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर सहसपुर से उनका नाम अब फिलहाल आ रहा है। अगर सीएम की बात करें तो सीएम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि सीईसी ने साफ कर दिया है, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में जो सीईसी हुई थी, कि सीएम के परिवार से यानी हरीश रावत के परिवार से किसी और को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो निश्चित तौर से जो पीसीसी और सीएम के बीच की तकरार है वो खुलकर सामने आ रही है। और कल भी लगातार 12 बजे तक मंथन चला था, उसके बाद रजनी रावत का और किशोर उपाध्याय का जो सियासी ड्रामा था वो 1 घंटे तक चलता रहा था। और अब की बात करें तो अभी उत्तराखंड सदन जो चाणक्यपुरी दिल्ली में स्थित है वहां पर किशोर उपाध्याय और हरीश रावत दोबारा से मंथन कर रहे हैं और मंथन का दौर लगातार दिल्ली में जारी है। जी घनश्याम जी, बिल्कुल राहुल, तो ये मंथन लगातार जारी है और इस मंथन का इंपैक्ट कम से कम उत्तराखंड में क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। सुदीप, देहरादून की बात करें तो किस तरह के हल चले हैं, कौन कौन सी सीट है जिसपे लगातार पेच फंसा हुआ है और उनको सुलझाना वाकई बहुत मुश्किल भी है फिलहाल? जी देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि सरकार और संगठन में जो झगड़ा चल रहा है उससे कार्यकर्ता निराश हैरान है कि नामांकन शुरू हो गए और हमारी चुनावी लिस्ट का ही पता नहीं, किसे टिकट मिलेगा, चुनाव कौन लड़ेगा। और चर्चा ये भी है कांग्रेस में कि जो बड़े लोग छोड़ के चले गए और इन वक्त पर यशपाल आर जैसे जो पुरोधा माने जाते हैं कांग्रेस के, जो जन्मजात खाटी कांग्रेसी हैं, जो पैदा ही कांग्रेस में हुए, उनको क्यों छोड़ना पड़ा। लिहाजा ये झगड़े बढ़े हैं और पार्टी का रुख भी किस ओर जा रहा है समझ नहीं आ रहा, क्योंकि संगठन और सरकार मिलकर चुनाव लड़ेगी तभी चुनाव में दमखम दिखेगा, लेकिन संगठन और सरकार जब अलग होगी तो स्थितियां बिगड़ेंगी। अब जहां तक विधानसभा सीटों की बात है तो जिस पार्टी के सीएम और प्रदेश अध्यक्ष में झंझट चल रहा है कि कौन कहां से लड़ेगा, हर आदमी सेफ सीट ढूंढ रहा है, तो फिर ऐसे में दूसरे प्रत्याशियों का क्या हाल होगा सहज ही समझा जा सकता है। ठीक है, आज नामांकन का बवाल जितना बढ़ रहा है उतनी रफ्तार से कम होता नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया आपका सुदीप देहरादून से, बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम अपडेट्स के लिए। और इस बीच लखनऊ से खबर ले लेते हैं। सोर्सेस के हवाले से खबर है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि सपा की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिसमें अंबिका को लेकर मुलायम बहुत दुखी हुए, ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। मुलायम ने अंबिका से फोन पर संपर्क किया, फोन पर बात होते होते दोनों नेता भावुक हो गए। कई सालों के संबंध को लेकर कई बातें भी हुई। मुलायम अब सपा का नहीं करेंगे चुनाव प्रचार, बड़ी खबर इस वक्त की है। लगातार ये कहा जा रहा था कि अखिलेश की अगुवाई में मुलायम सिंह अब चुनाव प्रचार में जुटेंगे, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि मुलायम अब चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो अंबिका चौधरी का बीएसपी में जाना और उसके बाद भावुक होना मुलायम सिंह यादव का।
चलिए लौटते हैं उत्तराखंड की ओर, अल्मोड़ा से खबर, जहां रानीखेत में आज अजय भट्ट करेंगे नामांकन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट नामांकन करने के लिए जाएंगे, खंडूड़ी उनके साथ रहेंगे, कोश्यारी, निशंक और बहुगुणा भी मौजूद रहेंगे। सतपाल महाराज भी भट्ट के साथ नॉमिनेशन के दौरान मौजूद रहेंगे। दोपहर 2:45 पर नामांकन करेंगे अजय भट्ट। तो 2:45 का समय तय किया है अजय भट्ट साहब ने, जो नॉमिनेशन के लिए जाएंगे। कई बड़े चेहरे उनके साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। और कोटद्वार विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली बार हरक सिंह रावत कोटद्वार पहुंचे, जहां सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हरक सिंह रावत का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने हरक सिंह रावत को साथ लेकर कौड़ियो चेक पोस्ट से मालवीय उद्यान तक पदयात्रा भी निकाली। पदयात्रा के दौरान पूरा जनसैलाब उनके साथ दिखाई दिया। हरक सिंह रावत के कोटद्वार विधानसभा से चुनाव लड़ने को लेकर युवाओं में खासा जोश नजर आया। इस दौरान हरक सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि सिद्धिबली बाबा ने तो मुझे कोटद्वार के विकास का जरिया बनाया। और बीजेपी की घोषित 6 सीटों में से एक विकासनगर सीट भी पार्टी के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। इस सीट पर बीजेपी के पूर्व विधायक मुन्ना सिंह चौहान, पूर्व विधायक कुलदीप कुमार, रघुनाथ सिंह नेगी, रामशरण नौटियाल और नीरू देवी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में विकासनगर की जनता को भी इंतजार है कि कब उनके सामने तस्वीर साफ हो कि कौन यहां से चुनाव लड़ेगा। इस सीट के मौजूदा विधायक नवप्रभात मंत्री भी हैं, मगर उनके मंत्री बनने से भी क्षेत्र को कोई फायदा नहीं हुआ। लोग मंत्री नवप्रभात की कार्यशैली से नाराज हैं और परिवर्तन के हुंकार भर रहे हैं। जी की देखिए, पूरे 4.5 साल वो पूरे क्षेत्र में नहीं दिखाई दिए, अब जब चुनाव आए हैं तो क्षेत्र के भ्रमण पे भ्रमण हो रहे हैं। पूर्व में उन्होंने कोई भी विकास कार्य यहाँ पर नहीं किया है। और विधानसभा चुनाव को शंखनाद होते ही नेताजी को एक बार फिर जनता की याद आने लगी। लुभावने वादों को लेकर नेताजी एक बार फिर जनता के बीच है, लेकिन दशकों से मूलभूत सुविधाओं का अभाव झेल रही जनता नेताओं के इन वादों से अब आजीज आ गई है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के दर्जनों गांव में आज भी बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है, जिससे परेशान लोगों ने इस बार मतदान नहीं करने का फैसला किया है। धारचूला विधानसभा क्षेत्र के होकरा, खोया और गोलम गांव के लोगों ने शिक्षकों की कमी के चलते वोट नहीं करने का फैसला किया। तो वहीं खुरी, जिमिया और नावी के ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा जारी किया। हमारे क्षेत्र की मुख्य दो सड़कों की मांग है, जिसके लिए हमको जिला प्रशासन द्वारा और उत्तराखंड सरकार द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया कि तुम्हारी मांगे 45 दिन के अंदर पूरी हो जाएंगी। आज लगभग 180 दिन हो गए, 6 महीने हो गए, इस बारे में कोई भी कार्रवाई, और इसलिए हमने पूरी संघर्ष क्षेत्रीय संघर्ष समिति की तरफ से निर्णय लिया है कि इस बार की विधानसभा चुनाव का पूर्ण बहिष्कार होगा। उसमें हम दोनों चीजें देख रहे हैं, अगर समस्या का समाधान होने की स्थिति बन रही है तो हम उसे इमीडिएटली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और अगर बड़े लेवल का डिसीजन है या लॉन्ग टर्म पॉलिसी मैटर है तो फिर उस कंडीशन में हम स्वीप के थ्रू उनको मतदान के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जागरूक करेंगे। हरिद्वार में मतदान में ड्यूटी कटवाने को लेकर कर्मचारियों में होड़ मच गई है। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन कर्मचारी चुनाव में लगी ड्यूटी कटवाने के लिए तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। वहीं जनपद में 11 विधानसभा सीटों पर करीब 1638 है और चुनाव संपन्न कराने के लिए करीब 9000 से ज्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई, जिनमें से करीब 3000 से ज्यादा शिक्षकों की ड्यूटी लगी हुई है। ऐसे में हजारों की संख्या में ड्यूटी कटवाने के लिए आवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय आए हुए हैं। बता दें आपको कि अब तक 150 कर्मचारियों की ड्यूटी काटी जा चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक गंभीर बीमार, दिव्यांगों की ड्यूटी ही काटी जा रही है, या किसी कर्मचारी का इस बीच ट्रांसफर हो गया है, या किसी का रिटायरमेंट हो गया है, या कोई दिव्यांग है, या कोई थोड़ा सा अस्वस्थ चल रहा है, लंबे समय से कैंसर का पीड़ित है, या हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई है, ऐसे केसेस को हम लोग देख रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर जेन्युइन केस है तो उनका हम ड्यूटी से उनको हटा भी रहे हैं। राज्य में सही तरीके से चुनाव कराने के लिए केंद्र यूपी को 70 कंपनी अर्धसैनिक बल देगा। जानकारी के मुताबिक राज्य में 30 तारीख को पहले चरण में 30 कंपनियां आ जाएंगी, जबकि बाकी कंपनियां पश्चिमी यूपी में 11 फरवरी को होने वाले मतदान के बाद आएंगी, जिसको लेकर राज्य पुलिस मुख्यालय ने फोर्स वितरण का पूरा खाका तैयार कर लिया है, जिसमें पुलिस महकमे का करीब 16 करोड़ रुपए सुरक्षा व्यवस्था पर खर्च होगा। एडीजी के मुताबिक सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फोर्स आने के साथ ही फ्लैग मार्च संवेदनशील स्थानों पर कराया जाएगा। C
सीएम हरीश रावत के आबकारी महकमे ने चुनाव आयोग के सामने भी फजीहत करा दी। खुद मुख्य चुनाव आयुक्त तो दो टूक कह गए कि 5 दिनों में मुख्य सचिव जवाब देंगे। अब सवाल यह है, हालात ये बन गए, आखिर क्यों सिस्टम इतना डिरेल कैसे हो गया? मधुशालाओं से मौत बांटती सरकार, हरीश सरकार में शराब के धंधे ने जमाई जड़ें, सरकार मालामाल, लोगों के घर परिवार बेहाल, शराब माफियाओं से मिली सरकार को ईसी की फटकार। मधुशालाओं से सरकार मालामाल होती रही और देवभूमि का जख्म नासूर बनता रहा, युवाओं की नसों में नशा दौड़ता रहा और सड़क हादसों की खबरें तो आम हो गई। हरीश सरकार अंदर खाने शराब के धंधे के लिए पूरा खाद पानी तैयार करती रही और बाहर सीएम रावत और उनके बेटे नशाखोरी बंद करने का नाटक करते रहे, जबकि हकीकत ये है कि हरीश राज में सबसे पहले शराब का धंधा निजी हाथों में दे दिया गया। धीरे धीरे पूरा सिस्टम भी इतना पैसा खोर हो गया कि विभाग अपने मूल काम को ही भूल गया और आज स्थिति सबके सामने है। तो आइए एक नज़र डालते हैं आबकारी विभाग के कारनामों पर। सरकार ने शराब का काम दिया GMBN और KMBN को, मगर अंदरखाने काम संभाला माफियाओं ने। स्टिंग में फंसे आबकारी महकमे के सचिव मोहम्मद शाहिद। देसी शराब की कीमतें बढ़ी, राजस्व को चवन्नी का भी फायदा नहीं। सरकार ने 5 पैसे वाला होलोग्राम 25 पैसे में खरीदा, विवादित फाइल मंजूर की। डोईवाला में नकली शराब फैक्ट्री में मिले असली होलोग्राम। उधम सिंह नगर में शराब फैक्ट्री पकड़ी गई, एक्शन कुछ नहीं। अपनी ही बॉटलिंग नीति को 3 बार शराब माफिया के दबाव में पलटा। हरीश रावत सरकार ने देवप्रयाग, नैनीताल और पौड़ी में शराब फैक्ट्री के लाइसेंस दिए। ऐसे में शराब पर छापेमारी ना होने और शराब बिक्री पर अंकुश ना लगने पर चुनाव आयोग सख्त हुआ है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। देखिए, हमने राज्य प्रशासन को, अभी मैंने बताया, राज्य प्रशासन को हमने अभी सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अगले 4-5 दिनों में आबकारी विभाग को गैल्वेनाइज करें, एक्टिवेट करें और बिना किसी बाह्य प्रभाव के जो कानून है उसके हिसाब से कार्यान्वयन करें और 4-5 दिन बाद हम फिर से रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या प्रगति हुई है। आयोग की सख्ती के बाद आबकारी महकमे से लेकर चीफ सेक्रेटरी दफ्तर हिल गया है। अब बड़ी योजना तैयार हो रही है जिसमें वन विभाग को भी शामिल कर रेड डाली जाएगी। सरकार द्वारा चाहा गया है कि एक टास्क फोर्स बनेगी हर जनपद में, हर विधानसभा सीट में माननीय मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में, और वो जिसमें व्यापार कर के अधिकारी भी होंगे, पुलिस के अधिकारी भी होंगे और जहां जरूरत हो वन क्षेत्र है तो वहां वन के अधिकारी भी शामिल रहेंगे। बहरहाल समझने के लिए काफी है कि जब खेत ही बाढ़ को खाने लगे तो फसल का तो भगवान ही मालिक है। हालांकि अब फुर्ती दिखाने के दावे तो हो रहे हैं लेकिन सुधार की गुंजाइश ना के बराबर। अकंठ भ्रष्टाचार में डूबे आबकारी महकमे ने बीते 2 सालों में कोई भी ऐसा ठोस काम नहीं किया जिससे विभाग की छवि सुधरे और महकमा दुरुस्त हो। सिर्फ विवादित मामलों में अप्रूवल और डीओज का मजबूत होना आज विभाग की इतनी बदनामी करा रहा है। सवाल सीधे तौर पर यह भी है कि राजनीतिक हस्तक्षेप के बीच आखिर जूनियर इतने कैसे हावी हो गए कि वो कमिश्नर और सचिव को कुछ नहीं समझते। बहरहाल आज पूरे देश में चुनाव आयोग ने जिस तरह आबकारी महकमे की निंदा की वो चौंकाने वाला तो है ही, साथ ही ये बताने वाला है कि विभाग कितना निरंकुश है। अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि चुनाव आयोग विभाग के बड़े अफसरों पर सख्त कार्रवाई करेगा ही। कैमरामैन रूपेश नेगी के साथ सुदीप जैन, देहरादून, समाचार प्लस। और देहरादून में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। जी हां, आईएमए में कॉन्फ्रेंस चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। रक्षा मंत्री और एनएसी डोभाल भी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। गोपनीय और संवेदनशील है कॉन्फ्रेंस, इसमें तीनों सेना प्रमुख शामिल हैं। देश की सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। आईएमए में सुबह 9:30 से चल रही है ये कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें, बेहद खास, बेहद सेंसिटिव और सीक्रेट तौर के इस कॉन्फ्रेंस को माना गया है। रक्षा मंत्री और एनएसए डोभाल भी इसमें मौजूद हैं, प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं और पहली बार आईएमए में तीनों के साथ प्रधानमंत्री की कॉन्फ्रेंस हो रही है।
और सूत्रों के मुताबिक कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एजेंडे, आपको बता दें, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पर हो सकता है फैसला। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के साथ संबंधों पर भी चर्चा हो रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और हालात पर चर्चा इसका एजेंडा हो सकता है। सेनाओं के आधुनिकीकरण पर भी चर्चा होगी कहा जा रहा है। चीन सीमा पर नई माउंटेन कोर स्थापित करने पर भी चर्चा होगी। आर्मी कमांडर और कोर कमांडर की क्षेत्रवार रिपोर्ट भी चर्चा का विषय बन सकती है। आर्म फोर्स में कम से कम मौत हो और इस पर चर्चा। आतंकवादियों पर नकेल कसने के लिए नए उपकरणों पर भी बात हो सकती है। सेना को हाईटेक बनाने और हल्की वर्दी पर भी चर्चा आज की इस कॉन्फ्रेंस में हो रही है। आचार संहिता लगने के बाद तराई पश्चिमी वन विभाग की एंटी माइनिंग फोर्स फॉर्म में आ गई है। खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए टीम लगातार छापेमारी कर रही है। शुक्रवार देर शाम एंटी माइनिंग फोर्स की 8 टीमों ने कोसी नदी के आसपास छापेमारी की और अचानक हुई इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। नदी में अवैध खनन कर रहे माफियाओं के गुर्गे फोर्स को देखते ही भागने लगे। हालांकि फोर्स ने इनका पीछा कर इन्हें दबोच लिया। इस दौरान खनन माफियाओं ने गाड़ी में बैठे 2 एसडीओ को वाहन चढ़ाकर मारने की कोशिश की और उनके साथ मारपीट करके वाहन को छुड़ाकर ले गए। इस घटना के बाद विभाग ने हमला करने वाले खनन माफियाओं के खिलाफ कोतवाली रामनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई। आज तराई पश्चिमी वन विभाग की एंटी माइनिंग टीम, लगभग 8 टीमें थी और हमने कोसी नदी में छापा मारा और कठिया पुल गेट के सामने कोसी नदी में लगभग हमने 7 वाहन अवैध खनन में पकड़े। और बागेश्वर में लगे उत्तरायणी मेले में गाजियाबाद से व्यापार करने आए 2 व्यापारियों से पुलिस ने 2,29,000 रुपए की नई करेंसी के नकली नोट बरामद किए। साथ ही दोनों व्यापारियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि रेडीमेड की दुकान पर एक महिला ने 2,000 रुपए के नोट दिए तो व्यापारियों ने महिला को 500 के नकली नोट दे दिए। वहीं पुलिस को सूचना देने पर पुलिस ने व्यापारियों के पास से लाखों रुपए की नई करेंसी के नकली नोट बरामद किए। फिलहाल पुलिस ने नोटों को सीज कर दिया है। आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। देश भर में डिजिटल इंडिया का नारा जोर शोर से चल रहा है, मगर उत्तराखंड में आज भी ऐसे गांव हैं जहां आदिम युग के दर्शन होते हैं। नैनीताल जिले में 33 ऐसे गांव हैं और पूरे राज्य में 165 जो मूलभूत सुविधाओं से बहुत दूर हैं, संघर्ष कर रहे हैं। रामनगर में कॉर्बेट पार्क के पास आमडंडा, लेटी, चौपटा, रामपुर, रिंगोड़ा, गर्जिया जैसे कई गांव वन भूमि पर बसे हैं, कई दशकों से मांग कर रहे हैं। इसके बाद भी लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है। यहाँ लोग आजादी से पहले रह रहे मगर अपने घरों पर आज तक पक्की छत नहीं डाल पाए। ना इनके लिए बिजली है, ना शिक्षा और ना ही स्वास्थ्य सुविधा। मूल निवास और स्थानीय निवास जैसे सरकारी प्रमाण पत्र हासिल करना वन ग्राम वासियों के लिए टेढ़ी खीर है, जिसकी वजह से यहाँ के बच्चों का भविष्य भी अधर में लटका हुआ है। 24 वन ग्राम है जिनकी लड़ाई हम काफी लंबे समय से लड़ते हुए आ रहे हैं। हमारी एक समिति बनी हुई है वन ग्राम विकास समिति, जिसके बैनर तले हमने धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन, क्रमिक अनशन और मशाल जुलूस निकाल करके सरकार को चेताने का काम किया। लेकिन आज तक जितनी भी प्रदेश में सरकारें बनी, किसी भी सरकार ने इन गांवों के तरफ देखा नहीं।